आज है कंप्यूटर फंडामेंटल द पार्ट नंबर 15 अपन इस विच आज जानांगे एमएस पेंट बारे मतलब माइक्रोसॉफ्ट पेंट बारे पेंट किस तरह यूज किया जाता है ते बेसिक विच पेंट क्यों सिखाया जाता है। देखो पेंट दे विच अपन ज्यादातर जेड़ा है माउस दा यूज करदे आ सो अपने माउस दे उत्ते पकड़ स्टार्टिंग विच जेड़ी जदों बेसिक कंप्यूटर सीखदे आ तां उदों नहीं हुंदी सो माउस दे उत्ते पकड़ बनाउण दे लई आपां जेड़ा आ एमएस पेंट वर्क करदे आ ते एमएस पेंट भी नोटपैड दी तरह बहुत ही पावरफुल टूल आ। इहदे विच भी आपां काफी तरह दी जेड़ी कार्टून हो गया काफी तरह दी इमेजेस हो गईआं जेड़ीआं आ उह ड्रॉ कर सकदे आ। सो एमएस पेंट दे बारे ज्यादा जानकारी आपां डेस्कटॉप दे उप्पर देखदे आ कि किस तरह वर्क करदा है ते किस तरह है चलदा आ। सो जल्दी ना स्टार्ट करदे आ। सब तो पहला आपां एमएस पेंट नू ओपन करदे आ, स्टार्ट बटन ते क्लिक करदे आ। सर्च बटन दे विच आपां लिखदे आ एमएस पेंट जां फिर कल्ला लिख दो पेंट और एंटर कर दो, देन अपना पेंट जेड़ा आ उह ओपन हो जाएगा। ये देखो इस तरह का इंटरफेस होंदा आ पेंट का। सो इहदी स्क्रीन नू मैं थोड़ा जिहा वड्डा कर लैंदी हाँ, जिहड़ा वाइट पेपर है इहनू तुसीं अपने अकॉर्डिंग वड्डा छोटा कर सकते हो। सब तो पहला देखो उपर हुंदी आ एक टाइटल बार, देखो उपर हैगी आ टाइटल बार जिहदे उत्ते अनटाइटल लिखा होया आ। अनटाइटल मतलब इहदा नाम जिहड़ा आ हजे नहीं दिता, मतलब इहनू हजे आपां सेव नहीं कीता होया आ, इहनू सेव कर सकदे हां आपां अपने अकॉर्डिंग किसी भी नाम दे नाल। सो नाल ही इहदे मिनीमाइज़ मैक्सीमाइज़ ते क्लोज़ बटन आ जो सेम आपां नोटपैड दे विच पढ़िया सीगा। सो इस तरह अपने को जे आप फाइल बटन दे विच जाइए तो ये न्यू का काम उही जो न्यू फाइल ओपन करनी, ओपन का मतलब सेव फाइल नू ओपन करना और सेव का बटन सेव करना, सेव एज का काम नाम चेंज करना। और प्रिंट दे विच अपने को तीन तरह दीआं जिहड़ीआं दित्ते होए आ डिफरेंट डिफरेंट पेज सैटअप प्रिंट प्रिव्यू इहदे विच आपां जिहड़ा देख सकते हैं। सो नैक्सट हैगा अपने को मतलब कि जिहड़ा भी आपां पेंट बनाया है उहनू उसे टाइम आपां ईमेल थ्रू सेंड भी कर सकते हैं अगर इंटरनेट कनैक्ट होवे। सो नैक्सट हैगा कि किसे आपां पेंट बनाया तो उन्हूं आपां अपने कंप्यूटर की बैकग्राउंड के उत्ते लगाउणा चाहुंदे आ तो उन्हूं फिट कर सकते हो। तो नाल ही इहदी जिहड़ा आ प्रॉपर्टीज़ अबाउट पेंट एंड एग्जिट बटन आ जितों आपां क्लोज़ कर दिंदे आ। सो देखो आ अपने को होम बटन आ जिहदे विच सारे अपने कोल जिहड़े आ टूल्स दित्ते होए आ, जिहड़ी जिथे अपने होम एंड व्यू लिखिया होया उह अपनी हुंदी आ मेन्यू बार एंड नीचे हुंदी आ अपने कोल टूल बार जां फॉर्मेटिंग बार भी आपां उहनूं कह दिंदे आ क्योंकि उहदे विच आपां फॉर्मेट करन दे लई भी सारे टूल्स अवेलेबल हुंदे आ। सो सब तो पहला आपां होम बार जिहड़ी आ होम टूल बार आ उहदे बारे देख लैंदे आ। देखो इत्थे मैं थानूं एक लोगो जिहड़ा आ ड्रॉ करके दिखाऊंगी जिहदे नाल थानूं क्लीयर हो जाएगा कि आपां पेंट दे विच किद्दां वर्क कर सकदे। मान लो कि मैं एक सर्कल लिया, आपां एक पैपसी का लोगो बनावांगे। देखो मैं एक सर्कल लिया, सर्कल तो बाद मैं एक लाइन करव लाइन जिहड़ी हुंदी आ उह मैं लई उसनों ड्रॉ किया। ड्रॉ करन तो बाद मैं इहनूं थोड़ा बेंड किया क्योंकि पैपसी का लोगो थोड़ा बेंड हुंदा है नीचे बिच्चों, उसनों मैं थोड़ा सा बेंड कर लिया, सैट कर लैंदी हाँ चंगी तरह, हुण ठीक लगता है। सो इस तरह मैं नीचे भी जिहड़ी एक करव लाइन लै लैंदी हाँ जिहदे नाल की है दूसरी करव लाइन भी बन जाएगी। सिलेक्ट कर लैंदी हाँ मैं करव नूं, उस तो बाद ड्रॉ करदे हाँ, उस तो बाद इहनूं थोड़ा मैं वेंड कर लैंदी हाँ माउस की हैल्प दे नाल ही। इस तरह जिहड़ा मैं इहनूं कर लिया आ बेंड। हुण उस तो बाद मैं इहदे विच कलर फिल करना आ तां मैं पहला रैड कलर जिहड़ा आ सिलेक्ट कर लैंदी हाँ। तुसीं उपर पैपसी का लोगो देख रहे हो उस तरह का आपां लोगो जिहड़ा क्रिएट करना आ। नीचे हुण जिहड़ा ब्लू कलर फिल करना आ सो मैं एडिट कलर के जिहड़ा आ ब्लू कलर लै लैंदी हाँ, चूज़ कर लैंदी हाँ इहदे विचों ब्लू कलर थोड़ा डार्क लै लैंदे हाँ, नीचे नूं करके मैं डार्क करके उसनूं ओके करना। फिर ओके किया और फिल दे नाल मैं जिहड़ा उहनूं फिल कर लिया। उस तो बाद मैं टैक्सट बॉक्स लिया, देखो ए जिहड़ा आ उह टैक्सट लिखण दे लई हुंदा आ, सो मैं इत्थे लिखूंगी पैपसी, मैं इत्थे लिखिया पैपसी और मैं इत्थों जिहड़ा इहदा फॉन्ट सिलेक्ट कर लूँगी। जदों तुसीं टैक्सट बॉक्स लैंदे आ नाल ही एक विंडो अपने आप बन जाती है जिहड़ी हुंदी आ फॉन्ट, उहदे विचों आपां जिहड़ा इहदा फॉन्ट वगैरह सिलेक्ट कर सकते हाँ। देखो मैं इहदा कोई फॉन्ट लै लैंदी हाँ कोई वधिया जिहा जिहड़ा कि थोड़ा सूट करे इहदे उत्ते,
देखो ये चूज़ करते हैं कुछ अच्छा जहा। देखो आ माइक्रोसॉफ्ट सैन सैरिफ जो थोड़ा अच्छा लग रहा है, इनू मैं चूज़ कर लैनी हाँ, इन थोड़ा सैट कर लैनी हाँ। आप उस तो बाद साइज सिलेक्ट कर लें, मैं ये साइज जोड़ा आ वो इतों 48 ले लैनी हाँ। 48 थोड़ा बड़ा लग रहा है, सो मैं अपने अकॉर्डिंग जोड़ा इतने लिख के भी जोड़ा ले सकती हाँ। मैं उस 45 जोड़ा है वो टाइप किया कीबोर्ड तो और एंटर प्रेस किया, थोड़ा सही लग रहा है। सो मैं इनू बोल्ड भी किया होया है, बी जोड़ा क्लिक होया होया है देखो साइज़ के नाल। उस तो बाद इतने मैं थोड़ी स्पेस करके इनू जोड़ा आ थोड़ा इनू सेंटर जे कर लिया है। उस तो बाद मैं थोड़ा साइज़ ज़्यादा लग रहा है 43 कर लें आप। सैट कर लो इनू सही तरह सैट कर लें आप, हूँ कुछ वधिया लग रहा है। हूँ उस तो बाद आप जिहड़ा आ रेड कलर और जिहड़ा आ ब्लू कलर साइडां उत्ते भी करना है। सो मैं एक लाइन लगा लैनी हाँ ताकि जिहड़ा आ हर पासे वो कलर ना फैले। सो मैं लाइन लगा ली आ, उस तो बाद कलर ले लिया रेड और फिल दे नाल जिहड़ा आ फिल कर दिता, और जिहड़ी बकेट बनी हुई उहदे नाल हमेशा फिल करदे आ। सो मैं इधर भी फिल कर लिया आ। हुण देखो जिहड़ी विचली लाइन आ वो अपने को वाइट होनी चाहिए है, सो मैं एक सर्कल होर ले लिया आ, उस सर्कल का कलर मैं वाइट कर दिता है, इन्हें थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। उस तो बाद आप फिल लैके एक बार बकेट लैके दोबारा जोड़ा वाइट कलर है ये फिल करा ताकि ये जोड़ा वाइट हो जाए क्योंकि वो आउटलाइन वाइट होंगी है। इस तरह मैं इनू फिल कर दिता है। हम देखो ये बहुत ही सही लग रहा है जो कि आप पेंट के एक जड़ा आ लोगो ड्रॉ कर दिता है। सो इसी तरह आप बहुत सारिया इमेजेस वगैरह भी क्रिएट कर सकते। देखो मैं सिलेक्ट बटन सिलेक्ट किया, उस तो बाद इनू मैं चुके हूँ कित भी ले जा सकती हाँ, जो आप सिलेक्ट कर लिया उन्होंने आप कित भी ले जा सकते। देखो मैं दूसरी जगह पर लेके गई और वापस उन्होंने फिर उसकी जगह के उ रख दिता, चाहे तुम उसू मैं एंडू कर लैनी हाँ एक बार। हाँ देखो आप इन सिलेक्ट करके कॉपी भी कर सकते हैं, किसी होर जगह के उत्ते पेस्ट भी कर सकते हैं। मान लो मैं दोबारा कॉपी कर दी सिलेक्ट कर दी, फस्ट आप रैक्टेंगुलर बॉक्स के नाल ही जो इन कॉपी करना है दोबारा इन मैं जो सिलेक्ट कर लिया। उस तो बाद नाल ही बनिया हुआ है देखो इधर क्रॉप की भी ऑप्शन है और कॉपी की भी ऑप्शन है। अगर मैं क्रॉप करूँगी तो यह जोड़ा है क्रॉप हो जाएगा, अगर मैं कॉपी करूँगी तो ना कॉपी हो जाएगा। देखो हम मैं कॉपी करके उस तो बाद पेस्ट कर लिया, पेस्ट करने तो बाद ये मेरे को दो लोगो बन चुके हैं हुण इस टाइम। हुण इस तरह अगर मैनू सिर्फ इन्ना हिस्सा ही चाहिए आ बाकी पोर्शन मैनू नहीं चाहिए, दैन मैं दोबारा इनू सिलेक्ट करांगी। सिलेक्ट करने तो बाद उपर जिहड़ी ऑप्शन लिखी हुई है क्रॉप क्रॉप बटन आ उहदे उत्ते मैं क्लिक करूँगी। देखो उन्ना ही पोर्शन आ गया जिन्हें नूं आपां सिलेक्ट किया सी। सो इस तरह जिहड़ा आ अपना ये वर्क करता है MS पेंट विद। आप अपनी जी पेंटिंग के हिसाब न मतलब कि थोड़ी क्रिएटिविटी है तुसी उसके हिसाब न बहुत कुछ जड़ा बना सकते हो। ये देखो जूम इन व्यू दे विच इना अपना जड़ा जूम इन हो रहा है ते जूम आउट हो रहा है। इस तरह ये बटन जड़े यूज़ करके आप विंडो नू जा अपनी इमेज नू जड़ा है जूम इन जूम आउट कर सकते। नैक्सट आप 100% देखो आ जो उपर रूलर आ रहा है, रूलर मतलब टिक होया है, दैन आ रूलर आ जाता है, दैन ग्रिड लाइन के उत्ते क्लिक करेंगे दैन आह ग्रिड लाइनस आ जाएंगे जिन्हें हैल्प ना आप ईजीली ड्रॉ करना च हैल्प हो जाती है। नीचे देखो स्टेटस बार आ, स्टेटस बार से क्लिक करूँगी अनटिक करूँगी तो वह वापस गायब हो जाएगी। सो इस तरह की जी अपनी इमेज आ बन चुकी आ। इस तरह आप इनू जिहड़ा पैप्सी का लोगो एक ड्रॉ किया आ, फुल स्क्रीन के उत्ते क्लिक करेंगे तो फुल स्क्रीन के उत्ते शो होगा। देखो आ मैगनीफायर टूल बनया हुआ है, जे मैं ये क्लिक करती हाँ तो मैं इनू बहुत ही बारीकी दे नाल अगर देखना चाहनी हाँ अपने लोगों नू दैन मैं देख सकती हाँ। जूम मतलब कि जूम का भी काम है एक तरह का, मैगनीफायर बारीकी दे नाल देखण दे लई इनू आप यूज़ करते हाँ। सो ये आप पेंट दे विच अपना एक लोगो तैयार किया। इस तरह तुसी भी कुछ ड्रॉ कर सकते हो।
इसी तरह अपने को रोटेट दी ऑप्शन आ, रोटेट कर सकते हो इमेज नू 90 दे उत्ते, 190 दे उत्ते, 180 डिग्री दे उत्ते तुसी जड़ा इन्हें रोटेट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, जिद्दा दा भी तुसी उन्हें रोटेशन उदी रखना चाहते हो। इनू वापस मैं सीधी कर लैंदी हाँ, देखो ये अपना हुण पूरा जिहड़ा लोगो आ वह बहुत ही वधिया लग रहा है। सो अपने को अलग अलग शेप्स बनिया हुई हैं, अलग अलग शेप्स नू यूज़ करके आप बहुत सारे लोगोस क्रिएट कर सकते हैं, एवं चीज़ कार्टून वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। सो ए आ होम एंड व्यू, सो इनू आप सेव कर लेंगे फाइल बटन से जाके सेव, जा फिर कंट्रोल एस की हेल्प के नाल आप इनू डिस्कटॉप के उत्ते मैं इनू सेव कर लैनी हाँ। मैं यदा नाम जोड़ा आ वह रख दें लोगो पैपसी। हम देखो इनू मैं किदे नाल सेव करना चाहनी हाँ, इनू तुसी किसे भी फाइल दे विच जिहड़ा है सेव कर सकते हो। अगर मैं बिटमैप दे नाल सेव करदी हाँ तां इनू दुबारा मैं एडिट कर सकती हाँ, बट मैं अगर इनू जेपीजी वगैरह दे विच सेव करदी हाँ तां दुबारा एडिट नहीं कर सकती। सो मैं इनू पीएनजी फाइल दे विच सेव कर लैनी हाँ ताकि एक इमेज बन जाए। सो मैं डिस्कटॉप दे उपर सेव कर लिया, डिस्कटॉप आइकन जिहड़े आ मैं शो कर लैनी हाँ फस्ट, उस तो बाद मैं ओपन करके दिखा दिंदी हाँ किस तरह की है। देखो इस तरह की अपनी ये एक इमेज आ जो आप पेंट दे विच क्रिएट की। सो ये अज का टॉपिक, मिलते हैं नैक्सट टॉपिक दे विच। सो चैनल में सबसक्राइब एंड शेयर जरूर करना, बैल बटन दे आइकन ते जरूर क्लिक करना। थैंक यू।